अस्सलाम वालेकुम। वोको होटल मक्का 5-star होटल्स, बहुत ही खूबसूरत और शानदार होटल। शटल सर्विस ये होटल है, तो हरम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये होटल है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस एज ए ऑप्शनल है। तो रूटीन से इसकी जो शटल सर्विस है वो तकरीबन 24/7 चलती है, किसी भी वक्त नमाज के वक्त या इसके अलावा हर तकरीबन 5 से 10 मिनट में इसकी जो शटल है वो चल। मैं आपको अभी पहले इसकी शटल दिखाता हूँ, ये सामने आप देखिए, ये इसकी शटल सर्विस सामने लल्ला के नाम से बसेस, ये सामने देखे 4 बसेस अभी भी खड़ी है। हर आधे घंटे बाद इसकी एक जो शटल है वो चलती है, अगर रश हो तो इससे पहले भी। ये जो रिसेप्शन की बैक साइड पर इसकी शटल आती है, 9 टावर इस होटल्स के हैं और बहुत बड़ा होटल है ये। मैं आपको अभी आप दिखाता हूँ, ये वो, तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं यहाँ से। मैं आज पैदल जो है वो हरम तक जाऊंगा और आपको इसका मुकम्मल वॉकिंग डिस्टेंस जो है ना वो इंशाल्लाह बताऊंगा, कितना टाइम लगता है इस होटल का। इसकी लॉबी, तो मैं अभी इसकी एग्जिट बाहर जा रहा हूँ और आप इंशाल्लाह पूरी वीडियो के साथ रहिए, आपको मुकम्मल पता लगेगा कि इसका हरम तक फासला कितना है बाई वॉक। वैसे तो इसकी ऑलरेडी शटल सर्विस चलती है, वो 9 टावर, ये 4 टावर आपको नज़र आ रहे हैं और 5 टावर इसकी बैक साइड। जी तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह अभी चल रहा हूँ वोको होटल मक्का 5-star, यहाँ से मैं इंशाल्लाह पैदल वॉक हरम तक जाऊँगा और आपको इसका जितना फासला है, टाइम जितना लगता है वो आपको मालूम हो जाएगा। टावर 2 टावर 1 जी, तो यहाँ से स्टार्ट वोको होटल मक्का से हरम की तरफ वॉकिंग डिस्टेंस मालूम करने के लिए ये वीडियो
स्पेशल बनाई गई है हमारे उमरा ज़ायरीन भाई और हाजी भाई अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसका जो है पैदल डिस्टेंस कितना है। शटल तो ऑलरेडी इसकी 24 आवर चलती है, तो इंशाल्लाह इसका पैदल डिस्टेंस देखेंगे हरम तक कितना पैदल डिस्टेंस इसका है। मैं अभी आपको इसकी दोबारा बिल्डिंग दिखाऊं, वॉक को मक्का 5-star होटल। जी तो ये सामने ये शहर है इब्राहिम खलील, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के राउंड बोट कुबरी है और वहाँ से 1000 मीटर तक हरम। तो इस तरफ ये सामने जाते कि मक्का क्लॉक टावर, तो मैं इंशाल्लाह हरम तक पैदल जाऊंगा। ये सामने तकरीबन जो होटल है सारे वो शटल सर्विस होटल है। जी तो ये सामने आप वोको होटल मक्का देखें, वो कोटर मक्का, और यहाँ से मैं इंशाल्लाह पैदल हरम तक चलूँगा। जी तो यहाँ से हरम तकरीबन 1300 मीटर के फासले पर है, शहर है इब्राहिम खलील रोड पर मैं जा रहा हूँ। कुबरी यहाँ से तकरीबन मिसफला कुबरी जिसको कहते हैं वो 400 मीटर के फासले पर है। तो रास्ते में जो होटल्स वगैरह आएंगे इंशाल्लाह मैं उनके बारे में भी आपको गाइड करता चलूँगा। तो ये अभी भाई जा रहा मेरे होटल आ रहा है जद्दा अल खलील, ये भी 3-star कैटेगरी का होटल है, मुनासिब होटल है और तकरीबन जो इसका एवरेज रेट होता है वो भी तकरीबन 100 से 120 रियाल का राउंड बोर्ड ये भी होटल जो है वो मिल जाता है। देखिए जद्दत अल खलील होटल, तो ये आगे इंशाल्लाह अभी मैं चल रहा हूँ तो हरम तक इंशाल्लाह मैं पैदल ऐसे ही वॉक करता चलूँगा। तो ये भी एक होटल है, ये काफ़ी बड़ा होटल है लेकिन ये क्लोज हो चुका है। तो ये रोड जो पीछे से इसके होटल हैं वो भी मशहूर होटल हैं, एम मिलेनियम होटल 5-star होटल था, तो वो भी इसी रास्ते पे होटल है, एक अच्छा और मुनासिब होटल है, एम मिलेनियम 5-star होटल है। तो ये शहर है इब्राहिम खलील रोड जी। तो तकरीबन 100 मीटर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, यहाँ से अब 1200 मीटर हरम का फासला है। शहर इब्राहिम खलील के रोड के जो दाएं जानब पैरेलल रोड चल रहा है वो शहर हिजरा है, वहाँ पे भी होटल्स काफ़ी है। तो ये देखें अभी कौन सा होटल आ जाता है दाएं जानब,
सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, वहाँ से यहाँ से तकरीबन वहाँ तक कोई 1200 मीटर का फासला है। तो ये जो अभी होटल्स आगे आ रहे हैं, ये रोड पर तकरीबन 100 रियाल से लेकर 150 रियाल के रोड पर होटल है, और ये सारे होटल जो है ना वो कुबरी के आगे, मिसरा कुबरी के आगे, यानी कि 1 किलोमीटर से लेकर 1200 मीटर तक इनका फासला है। होटल ये मुनासिब हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा जो लोकेशन है वो टाइम लग जाता है, 1100 मीटर यहाँ से मस्जिद अल हरम, तकरीबन यहाँ से बंदा 15 से 18 मिनट में ये दिल्ली पहुँच जाता है। मनाजिल अल मशार होटल, ये अभी आपने बाएं जानब देखा, ये भी राउंड बोर्ड 2 स्टार कैटेगरी का होटल है, और इसका रेट भी तकरीबन आप राउंड बोर्ड 100 से 120 रियाल 30 रियाल जो है ना एवरेज रेट रहता है। तो अभी मैं मुसलसल चल रहा हूँ और इंशाल्लाह हरम तक मैं पैदल चलूँगा, तो बिल्कुल मैं रूटीन बाई वॉक कर रहा हूँ, तेज़ी वगैरह से या बहुत आस्ता मैं नहीं कर रहा। ये बाई जानब जो बिल्डिंग है ये सारी पार्किंग वगैरह की बनी हुई है, ये सामने मरजान अल खलील होटल, ये भी 2 स्टार कैटेगरी का या 1 स्टार कैटेगरी का होटल है, मुनासिब होटल है 1100 मीटर के फासले पर। इसका भी रेट तकरीबन राउंड अबाउट 100 रियाल ही होता है, एवरेज रेट में आपको बता रहा हूँ। तो एवरेज से मुराद है कि जो बिल्कुल नॉर्मल सीज़न होता है, रश में रेट वगैरह बढ़ जाते हैं। मसा अल रियान होटल मैंने भी आपको दिखाया, तो ये जो सारे होटल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये सारे होटल 2 स्टार या 3 स्टार होटल हैं। ये सामने मसा अल रियान, ये अल वाफिदीन फंदक, ये मशहूर होटल है कबूतर, सॉरी मिसरा कुबरी के बाद ये तकरीबन पहला होटल या दूसरा होटल आता है। तो ये सामने मिसरा कुबरी, यहाँ से अब तकरीबन जो हरम है वो 1 किलोमीटर के फासले पर है, क्योंकि मिसरा कुबरी से आगे जाएंगे तो वहाँ से 900 मीटर का फासला हरम तक रह जाएगा, और वहाँ से जो शहर इब्राहिम, मेन जो शहर इब्राहिम है जहाँ बहुत ज़्यादा होटलों का रश है, दाएं बाएं जानब दोनों तरफ होटल, वहाँ से जो है तकरीबन 900 मीटर का फासला हरम तक हो जाता है, और तकरीबन वहाँ से आदमी 12 या 13 मिनट में जो है इजीली वॉक करके मुनासिब टाइम में पहुँच जाता है। तो ये आप मिसरा कुबरी, कुबरी असल में अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये ब्रिज को बोलते हैं, यानी कि उर्दू में उसको पुल वगैरह बोलते हैं। तो ये ब्रिज मिसरा ब्रिज है, ये तो इसको आप दिन में मिसरा कुबरी बोलते हैं। तो यहाँ से 900 मीटर मस्जिद अल हरम का फासला है, अब यहाँ से बाएं और दाएं दोनों जानब होटल शुरू हो जाएंगे, और इनमें ज़्यादा जो तादाद है वो 3 स्टार होटल्स की है, और यहाँ से अब जो रेट है वो तकरीबन 150 रियाल से शुरू होकर वो 350 या 400 रियाल तक जाते हैं। ये फ़लस्तीन होटल बाई जरम मैंने आपको अभी दिखाया, काफ़ी बड़ा होटल है फ़लस्तीन होटल, ये तकरीबन 850 मीटर के फासले पर है। तो मैं आपको बता रहा था कि इनका रेट जो अमूमी गिना जाता है आम फील्ड में, अगर रश ना हो नॉर्मल हो, तो वो तकरीबन जो है ना वो 150 रियाल से शुरू होकर वो तकरीबन 300 से 350 रियाल तक जाता है।
बाकी ये है कि सारा साल रेट चेंज होते रहते हैं यहाँ के होटल्स के, तो अगर रश ज़्यादा हो जाए तो उस हिसाब से रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से हरम का फासला 800 मीटर, मैं आपको हर 100 मीटर पर तकरीबन हरम का फासला ये दिखाता जाऊंगा, और जो भी रास्ते में होटल्स वगैरह आएंगे उनकी डिटेल्स वगैरह भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा, उनकी कैटेगरी कैसी है, उनका डिस्टेंस वगैरह कितना है। इब्राहिम खली रोड, इब्राहिम खली रोड, ये बाई जानब संगत यास्मीन अल मजद, ये भी 2 स्टार कैटेगरी का होटल है, और नॉर्मल सीज़न में इसका रेट भी तकरीबन 200 से 220-230 रियाल तक आम रूटीन में इसका रेट जाता है। अगर रश कम हो तो रेट कम भी हो जाता है। इसके आगे दाएं जाना भी फंदक साहब का नाम दारुल ईमान होटल था, दारुल ग्रैंड होटल, दारुल ईमान ग्रैंड, और अभी इसका नाम इमार अल ग्रैंड होटल है। ये 3 स्टार कैटेगरी का प्रॉपर होटल है, लेकिन एजेंट भाई इसको 4 स्टार कैटेगरी भी बोलते हैं। तो इसका रोट जो अमूमी रेट है इसका वो तकरीबन 250 रियाल से 300 रियाल के राउंड बाउंड रहता है। ये होटल जो 3 स्टार के होटल्स हैं शहर इब्राहिम खलील में, पर उनमें से काफ़ी मुनासिब होटल है, और यहाँ से तकरीबन हरम का फासला 700 मीटर। बाएं जाना मेरे बिल्कुल इमार अल खलील, सॉरी इमार अल ग्रैंड के बदर अल मासा होटल है, उसके आगे इमार अल मीनार। क्योंकि कैमरा मैं असल में सीधा ही मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मेन जो ये अभी मूवी बन रही है तो ये हरम के फासले तक की मूवी है। तो बाएं जाना मैंने बताया था कि बदर अल मासा और इमार अल मीनार होटल, वो भी 3 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं। तो रेट राउंड अबाउट उनका भी 200 से 250 रियाल के दरमियान ही होता है। शहर है इब्राहिम फ्री रोड, सामने आप होटल देख रहे हैं रोहल अल हुदा 3, ये भी 2 स्टार कैटेगरी का होटल है, और इसके बिल्कुल सामने होटल इमार अल खलील आता है। इब्राहिम खलील रोड से ये गली भी जाती है, और यहाँ पे भी कुछ 2-3 मशहूर होटल हैं, जैसे अल बजर अल बदी 5, वो भी यहाँ से तकरीबन कोई 100 या 150 मीटर के फासले पर होटल है। ये मेरे बाएं जानिब अल ताज अल रकी होटल, 3 स्टार कैटेगरी का होटल, यहाँ से तकरीबन 550 मीटर पर हरम, इसका रेट भी तकरीबन 250 से 300 रियाल होता है 3 स्टार कैटेगरी में। ये भी एक क्लासिक होटल है। और थोड़ा सा आगे अब कबूतर चौक शुरू होने वाला है, यहाँ से हरम 500 मीटर के फासले पर। अरीजल रुफा होटल मैंने अभी आपको दिखाया, और यहाँ मेरी बाई जारब इमार अंदरूसिया होटल है, वो भी होटल मुनासिब है,
इमार अल अंदलुसिया, ये आपने अभी देखा इमार अल अंदलुसिया होटल 3 स्टार कैटेगरी में मुनासिब होटल है। इसका रेट भी 250 रियाल के राउंड अबाउट होता है और यहाँ से तकरीबन ये पहला होटल कबूतर चौक के बाद शाहरा इब्राहिम खलील का, यहाँ से कबूतर चौक शुरू हो जाता है और तकरीबन 450 मीटर के पास ले पर हरम, यानी कि कबूतर चौक का इख्तिताम जहाँ पर होता है वहाँ तक 450 मीटर का फासला हरम से बन जाता है। तो यहाँ पर अब दाएँ जानब जो है वो तमीराती काम हो रहा है, रॉयल क्लॉक टावर जो होटल है उसके पीछे, जिसको हम क्लॉक टावर होटल बोलते हैं, तो उसके पीछे सारा ये बस स्टेशन वगैरह का काम हो रहा है। तो काफ़ी सालों से ये काम हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसको कर रहे हैं। और अब जितने भी होटल हैं वो बाएँ जानब है, ये आपने नवारत शम्मस 2 होटल देखा, 400 मीटर पर इस होटल की दूरी है नवारत शम्मस 2, और राउंड बोर्ड इसका रेट जो है वो 300 रियाल के लगभग होता है। अब यहाँ से शुरू हो के जो हरम तक होटल हैं वो सारे तकरीबन 2 स्टार से 3 स्टार कैटेगरी के होटल हैं, और उनका उन सब का जो फासला है, सॉरी जो रेट है वो भी राउंड मोड 300 रियाल के लगभग ही होता है। जब जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रेट थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ये सारे होटल नॉर्मल कैटेगरी के हैं, 3 स्टार इनको कैटेगरी को बोलते हैं, रूम इनके थोड़े तंग हैं। तो बाकी ये है कि लोकेशन के हिसाब से ये होटल्स बहुत अच्छे गिने जाते हैं, मशहूर होटल इनमें सारे लौलू अल खलील, जिसका नाम अब तारा अल खलील हो गया है। तो बेती 5 होटल है, अल हरम अल ओलियान होटल है, अल ओलियान अल हरम होटल, बुर्ज अल सुल्तान, इसका नाम भी अब इमार सुल्तान होटल है। ये मेरी बाई जानब अब जो बिल्डिंग आ रही है नवारत शम्मस 1, पहले नवारत शम्मस 2 दिखाया था, उसके आगे ज़ियाफ़र रहमान होटल है। ये सारे होटल तकरीबन राउंड बोर्ड 300 रियाल के रेट होता है इनका। यहाँ से अब सिर्फ 300 मीटर के फासले पर हरम, शाहरा इब्राहिम खलील रोड, कबूतर चौक, और यहाँ से 300 मीटर के फासले पर हरम। ये सामने जो आप ब्लू शीशे की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ब्लैक और ब्लू कलर की, ये तारा अल खलील होटल जी। तो ये देखें तारा अल खलील होटल, इसके साथ आगे अल ओलियान अल हरम होटल, ये होटल दोबारा आ रही हुआ है अल ओलियान अल हरम। ये इन होटल में से कुछ अच्छा होटल है बाकी होटलों की नस्बत, ये भी 3 स्टार कैटेगरी में होटल आता है। ये आप देखें अल ओलियान अल हरम होटल, इसके आगे बेती 5, साहब का नाम उसका बेती 5 था, अभी उसका नाम चेंज होके अरीज अल फलाह होटल हो गया है। ये आप गोल सी बिल्डिंग देख रहे हैं भाई जानब, हरी जलफला 200 मीटर यहाँ से हरम, यहाँ से हरम 200 मीटर के फासले पर भाई जानब मेरे होटल इमार अल सुल्तान, साहब का नाम इसका बुर्ज सुल्तान। अब ये समझ लें कि पहला जो शाहरा इब्राहिम खलील पर जो पहला होटल है उसका फासला तकरीबन 200 मीटर बुर्ज अल सुल्तान, और यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम 3 मिनट तक इंशाल्लाह हम हरम में पहुँच जाएंगे। तो ये सामने कुबरी, हरम के बाद ये पहली कुबरी है। तो आम रूटीन में जो कुबरी बोलते हैं, अक्सर ट्रैवल एजेंट बोलते हैं कि कुबरी के पास होटल होगा, वो ये कुबरी नहीं है, वो इससे पीछे मिसफला कुबरी है, जिसका फासला तकरीबन 900 मीटर हरम से, और टाइम उनका 12 से 13 मिनट वहाँ से पैदल वॉक का टाइम लग जाता है। तो ये सामने होटल वगैरह, दारुल तौहीद होटल मक्का का 5 स्टार मशहूर होटल, ये सामने आपको जो चौरस सा नज़र आ रहा है, बहुत ही कॉस्टली होटल है, अराउंड बोर्ड इसका रेट जो है
वो नॉर्मल मौसम में जो है वो 1,000 रियाल पर नाइट का 2 बेड का रूम होता है। तो रमज़ान में तो माशाल्लाह इनका रेट 4 से 5 हज़ार रियाल पर नाइट तक चला जाता है। बहुत ही कास्टली और एक्सपेंसिव होटल हैं ये, यहाँ से मस्जिद अल हरम 100 मीटर के फासले पर। ये सारा जबल उमर प्रोजेक्ट का इंकलाब मक्का, तो ये कुबरी के आगे इंशाल्लाह जो ही हम जाएंगे तो हरम शुरू हो जाएगा। तो मैं तकरीबन एक नॉर्मल स्पीड से जो है वो आ रहा हूँ, और जो भी दोस्त ये मूवी वगैरह देख रहे हैं तो जिस होटल से भी आप शुरू हो रहे हैं इब्राहिम खलील के, तो आप वहाँ से अगर ये मूवी देखते हैं तो तकरीबन आपको भी उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में मैं इब्राहिम खलील रोड से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये जो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये रास्ता हरम का रास्ता, इसी रोड पर थोड़ा आगे जाएं तो दारुल तौहीद के साथ भी हरम का रास्ता है, फिर दारुल तौहीद के होटल के आगे जाकर वहाँ से भी हरम का रास्ता है। तो ये सारे हरम के रास्ते हैं। तो जो रास्ते ये बंद कर देते हैं वो अक्सर यही रास्ते हैं कि ज़रा का रश होगा तो ये जहाँ से मैं अब जा रहा हूँ ये रास्ता बंद कर देंगे और हाजियों को आगे जाने का कहेंगे और वो आगे से जाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरम में दाखिल हो चुका हूँ। माशाल्लाह ये आप हरम की सफ़ेद टाइलें, जो भी दोस्त माशाल्लाह यहाँ आते रहते हैं उनसे ये वाकिफ़ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र सामने, बाबे मलक फहद, मस्जिद हरम का गेट, और ये दारुल तौहीद होटल, ये सारा जबले उमर प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह आंदा